गौरी गोपाल व्रत आश्रम की रसोई है जो पांचवे नंबर पे मशहूर है। मैं खुश हूँ कि मुझे जीता जी मुझसे दान करवा दिया मेरे बेटों ने। Back to my channel, तो आपका स्वागत है सुनून वैरायटी चैनल पे। एंड आज हम लोग जा रहे हैं फिर से कहीं घूमने, एक वन डे ट्रिप पर मथुरा। और मैं पहले भी गई हूँ मथुरा, बहुत बार गई हूँ एंड मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मतलब कभी मैं बिजी हो जाती थी, कभी मैं कुछ हो जाती थी, इसलिए मैंने बहुत बार व्लॉग नहीं बनाया। बट आज मैंने कहा कि चलो व्लॉग बना लेते हैं, सारे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे एंड बहुत चीज़ें करने वाले हैं। मथुरा में बहुत सारे मंदिर होते हैं, इसलिए अगर आपने स्पेक्स पहन रखे हैं तो प्लीज़ आप उतार दो, क्योंकि बस फिर आपका स्पेक्स गया। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं एंड मेरे पास माइक को हम जब किसी से रिकॉर्ड करेंगे ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए और कोई भी लाइक वो ना हो कि यार इतनी आवाज़ दी है तो इतनी आवाज़ से ऐसे 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 जल्दी से निकलते हैं कि गाड़ी आ चुकी है एंड जिससे बैठ के मथुरा की ओर चलते हैं। तो गाइस दो घंटों की जद्दोजहद के बाद हम लोग फरीदाबाद पहुँच चुके हैं और अभी पापा के एक फ्रेंड है मनोज अंकल, वो भी आ रहे हैं हमारे लिए कचौरी लेके, क्योंकि वो यहीं रहते हैं एंड हमें पता नहीं है ज़्यादा। तो अंकल हमारे लिए कचौड़ी लेके आएंगे, हम उसको खाएंगे एंड वापस अपनी मंजिल की ओर चले जाएंगे। यार कचौड़ी आ गई एंड हम इंजॉय कर रहे हैं कचौड़ी, इतनी टेस्टी कचौड़ी है यार क्या बताऊँ। फिर आपको भी ट्राई करनी चाहिए एक बार फरीदाबाद की कचौड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी है। किसी को भी यार किसी भी ढाबे पे निकल दिया, क्योंकि मुझे इस ढाबे पे आना था और पीछे में मैंने बाइक निकल देखा तो मेरी इच्छा जाग उठी। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। चाय के बड़े शौकीन है यार सब, मुझे हाथ पर चलाओ सफर के टाइम सबको चाय चाहिए। बस मेरे को हिम्मत कुछ होगी कि हम कॉफ़ी लवर है ना, हैशटैग कॉफ़ी लवर, बस दूसरी उंगली नहीं है मैंने हैशटैग कर लेती हूँ। हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन में। तो यार अभी हम लोग पार्किंग में हैं एंड गाड़ी खड़ी करके हम लोग जाएंगे अभी मंदिर एंड बहुत मजा आने वाला है। मैं पहले भी आई हूँ एंड इट वॉज सो फन। मार्केट गए थे हम पिछली बार, हमने एक बैग लिया था कोई भी आधा, मैंने बैग मैंने पैक की इतनी सारी कलेक्शन कर रखी है और शायद मुझे आज भी फिर पापा एक बैग दिला दें, वो पापा पर डिपेंड करता है। एंड माइक लगा लेते हैं क्योंकि अब आवाज़ आपको आएगी नहीं मेरी इतनी। तो हेमा माइक, हम अभी जा रहे हैं गौरी गोपाल आश्रम प्रकाशम, वहाँ पे हम गाय दान करेंगे, सिलेंडर दान करना है, फिर वहाँ से हम बाकी बिहार जाएंगे, बाकी बिहार के बाद हम प्रेम मंदिर जाएंगे और मंदिर का दर्शन करते हुए रात को 10 बजे अपने घर देखे निकलेंगे दिल्ली के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं आश्रम जहाँ पे हमको डोनेट करनी थी काऊ और एक सिलेंडर, वो लेके आई है खुद अपने हाथों से
और अभी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ सिगरेट। हेमा काम डाउन। सिगरेट की स्मेल से। हाँ हाँ, मैंने कब कहा तुम सिगरेट पीती हो? अरे अंदर से आके लेंगे ना। क्यों पीते गए? चलिए देखो अभी तो प्यारे शो पीस। कोई बात नहीं, टाइसन की खेलने का तो होगा। ये कितने के चूहा घर में चला गया। टाइसन कैसे भाग गया चूहे के पीछे? चूहा नहीं है, वैसे से चीजों के पीछे भागने का शौक है। प्यारा लग रहा है, एक बड़ी मम्मा के लिए संभाल ले लो। चूहा 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 आश्रम की रसोई है जो पांचवे नंबर पे मशहूर है। पांचवे नंबर पे है ये रसोई, हमारे महाराज की रसोई है, पांचवे नंबर पे है। और देखो खाना कितना स्वस्थ बन रहा है, सब्जियां वब्जियाँ सब कुछ स्वस्थ है, सब चीज़ साफ सुथरी बनी पड़ी है। और आप देखो सब सेवाधारी बिल्कुल स्वस्थ खड़े हुए हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। भाई खड़े हैं सब सेवाधारी, सब सेवा करने वाले भाई। कोई किसी काम पर, कोई सब्जी बना रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई कढ़ी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, सब अपने अपने लगे नहीं, सब अपने अपने सेवा। गौरी गोपाल गौशाला और हमने सिलेंडर डाल कर दिया है यहाँ पे। शी सो क्यूट यार, इतनी क्यूट है। हेमा सींग मार रही हो, प्यारी है वो। फिर जब सींग मारेगी तब बहुत प्यारी लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी ना, इतनी प्यारी राह भी आ गया। कितने क्यूट है भाई दोनों। वो गीला क्यों रखा है? हेलो कर दिया। चारा राधे राधे गई से मिलने चलते हैं। हेलो गाइस, चाय पी लो, कैसे हो? कितनी क्यूट है ना, स्पेशली इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबका नाम रखते हैं कि क्यूट क्यूट, क्यूट है। हाय पिंकी। ओके यू आर पिंकी, यू आर विंकी, यू आर वाइटी, यू आर स्लाइटी। ओके एवरीवन, सबका सेट है, बाय बाय। आपको भी नाम चाहिए? क्यूरी। हाय लड़ रहे हैं, ब्लैकी लग रहे हैं मुझे। कौन वो दोनों जुड़वा लग रहे हैं मुझे? अरे हाँ बिल्कुल सेम सेम, बिग 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 इयर्स। ब्लैकी ये पिंकी थी ना, जैसे तू और मैं लड़ते हैं वैसे। चिंकी उधर रह गई हूँ, वहाँ से बुला ला जा। वो दूसरे वाले उस पे होंगी ना, वो भी सोच रहे हैं खाने का मिलेगा देने आए। देती हूँ अभी 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 चारा आ गया, ये सांड भी आ गया, सब गुड़ आ गया। ऊपर गए ही बाहर नहीं आए, उसने मुंह में से गिरा दिया। उई उसके मुंह में से निकाल दी तेरा। मुंह में से भी देखो नहीं, वो ऊपर खड़े हुए है ना। वो देखो वो कैसे आए बीच में, वो आए सब नीचे हो गए। सांड ज्यादा तेज होते हैं, सांड बहुत ज्यादा तेज होते हैं। वेरी गुड। हां ये आ गई छोटी छोटी, और भी आ रही है पीछे से। दादी ने गाय दान की और गुड़ भी खिलाया गाय को, और पूजा भी हुई गाय की, एंड भूसा भी खिलाया, हरा चारा भी खिलाया। हाँ और भी बहुत सारी चीजें की, लाइक क्या क्या किया दादी? भूसा खिलाया, कपड़े दान करे, गोल्ड वोल्ड सब दान करा, दक्षिणा वक्षिणा सब दी, आरती भी हुई, आरती भी करी, सब कुछ करा। हमने सब इसलिए दिखाया क्योंकि लाइक आप लोगों को जानने का मौका मिले कि क्या क्या होता है ये सब चीजें करने में। आगे क्या कर रहे हैं आज
हाँ, और वृंदावन में आके हमने क्या किया ये करा। आपको एक छोटी सी वो दे रही कि अगर आप आगे से कुछ ऐसा चीज करो तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको हम प्रॉपर दान नहीं दिखाते क्योंकि दान करा हुआ दिखाया नहीं जाता, जितना गुप्त दान हो जाए उतना अच्छा है। ये बच्चे हैं वो करते हैं, मगर मैं करना नहीं चाहती मशहूर, जो है भगवान का दिया हुआ दान कर दिया जो, इसलिए हम वृंदावन में आके ये हमने किया। जो खुश है हमारी आत्मा, बहुत खुश है, मेरे बच्चों ने मुझे ये काम करवा दिया, मेरे बेटों ने मुझे, मैं बड़ी खुश हूँ अपने बेटों के ऊपर, बहुत नाज है मुझे मेरे बेटों पे, इतनी खुश हूँ कि मुझे जीते जी मुझसे दान करवा दिया मेरे बेटों ने, बहुत खुश हूँ मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे अभी हम लोग प्रेम मंदिर में हैं और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एंड यार आपको विजिट जरूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है। भगवान ने जब इंद्र की पूजा रखवाई थी और अपनी पूजा करवाई थी, जब इंद्र ने गुस्से में ये 7-8 दिन तक ये मूसलाधार बरसाया था, उस टाइम ये कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली पे पर्वत उठाया था। जब सब ग्वाले वाले सोचा कि कृष्ण भगवान ने छोटी उंगली लगाई है, हम भी लठिया लगाई सबने मिल के, और 7 दिन तक मूसलाधार हुई, 7 दिन तक ये कृष्ण भगवान की उंगली पे प्रेम मंदिर में। सिमरन के साथ एक छोटा सा फनी सा इंसिडेंट हो गया जो मैं शेयर तो नहीं कर सकती, बट सिमरन बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अगर मैं आपको शेयर करूँ तो आप बहुत हंसोगे, उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बट नहीं कर सकती यार, बहुत मजा आया। सामान खो गया, ऐसा नहीं हुआ। शॉपिंग कर रहे थे उसी वक्त हमें एक आंटी दिखी जो मूर्तियाँ सेल कर रही थी, एंड हमने उनसे 8 मूर्ति खरीदी एंड शी वाज सो स्वीट, उन्होंने हमें लाफिंग बुद्धा दिया, बिकॉज आपके लिए आपको ना खुद मजा आता है अगर आपके सामने कोई ऐसा सेलर हो जो आपसे बहुत स्वीट हो, एंड शी इवन गिफ्टेड अस लाफिंग बुद्धा। तो यार ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था, एक बुरी चीज़ के साथ एक अच्छी चीज़ होनी बहुत अच्छा होता है। तो अभी चलते हैं वापस क्योंकि बहुत रात होने वाली है एंड हमें घर पहुँचना है। गाइडेंस 9:47 और रात हो गई बहुत ज़्यादा, और हम लोग निकल चुके हैं वृंदावन से, और अभी हम लोग एक हवेली पे रुके हैं, इसका नाम है ब्रिज हवेली, और अभी हम लोग जाएंगे डिनर करेंगे, और बहुत ठंडा हो गया, जल्दी चलते क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। गाइस हम घर पहुँच चुके हैं एंड 1:50 हमने बीच में एक नैप लिया था, और फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद हम घर पहुँच चुके हैं, और मेरे बिल्कुल आलस नहीं आ गई ब्लॉग करने की। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।